आसन शेयर करेंगे जो आज के बिजी लाइफ में हर आदमी स्ट्रेस, एंजाइटी और माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो ऐसे 3 आसन आप करेंगे तो जिससे हमारा माइंड भी रिलैक्स होगा। तो इसके लिए करना क्या है आपको, पहले वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद अपने कमर पर हाथ रखना है, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ना है, सांस को इनहेल करना है सांस भरते हुए, धीरे धीरे वापस आना है, फिर अपने वज्रासन में बैठ जाना है। इस आसन को करने से आपके स्ट्रेस में रिलीफ मिलेगा। आजकल इतनी लोगों की बिजी लाइफ होती है, लैपटॉप पे काम करना होता है, मोबाइल पे काम करना होता है, तो एंजाइटी से भी बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो इस आसन को करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब दूसरे आसन पर आते हैं। इसके लिए करना क्या है, हमें ध्वजासन करना है। हमें पहले पेट के बल लेट जाना है, सांस भरते हुए पीछे मुड़ना है, फिर पहले अपने दाएं पैर को, फिर इसमें हमें शिथिलासन में आना है दाईं ओर से, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स होगी। इस आसन को भी आप धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। कोई भी आसन को फटाफट नहीं करना है, क्योंकि हमारी बॉडी इससे बहुत ज़्यादा पेन में हो जाएगी। कोई भी आसन हमें तुरंत नहीं करना है। अब अपने तीसरे आसन पे आते हैं, जो है कि भ्रामरी। भ्रामरी करने से क्या होगा, सबसे पहले तो हम माइग्रेन से बहुत परेशान होते हैं, तो इसे करने से आपके माइंड को भी बहुत रिलैक्स होता है। तो इसके लिए करना क्या है, पहली उंगली को आँख के ऊपर, आपको बिल्कुल रिलैक्स माइंड में रहना है, और कोशिश करिए कि आप इसे खुली हवा में करेंगे तो ये बहुत ही बेनिफिट होगा। पहले आँख पे, दूसरी उंगली नाक के दोनों साइड को, नाक को बंद नहीं करना है हमें, सिर्फ उंगली रखनी। तीसरी होंठ पर, चौथी हमारी चिन पे जाएगी, और ये हमारा जो थंब है इससे अपने कान को बिल्कुल बंद करना है। अब सांस को भरते हुए मधुर गुंजन करना है, कि जैसे कोई भौरा हमारे सर के अंदर मंडरा रहा है। तो इससे करना क्या, सांस भर लीजिए, फिर आप अपने ही आवाज को ही वाइब्रेशन होगी, तो इससे आपको बहुत रिलैक्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तीन से पांच बार करिए, और कोशिश करिए कि आप इसे खुली हवा में करिए, सुबह के टाइम में करिए, तो जो हमारा माइग्रेन का प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा ये आराम उससे देगा। और इसके साथ आप अनुलोम विलोम भी करिए, कपालभाति भी करिए, बट एंजाइटी और जो हमारे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इस आसन को करने से, इस प्राणायाम को करने से बहुत ही रिलैक्स होगा।